हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th बायोलॉजी, देखिए आप सभी बच्चों को कल के एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इससे पहले देखिए मैंने आप सभी बच्चों के लिए दो वीडियो अपलोडेड किया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो सवाल जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ ग्रेना, देखिए ग्रेना की इकाई क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेना की जो इकाई होती है वो क्या होती है, थैलेकोइड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं कि क्योंकि आपको ये पहले मालूम है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या कहलाता है, जल का विघटन किनमें से किससे जुड़ा हुआ रहता है। तो याद रखा होगा आपको कि किससे जुड़ा होता है, पहला बात तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन से होता है, और इसे क्या कहते हैं, इनर सर्फेस ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ये अच्छा सवाल समझने के लिए आपके दिमाग में जा सकता है कि डार्क रिएक्शन जो होता है वो किस में होता है, हमें बताएं, ग्रेना में, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, थैलेकोइड ल्यूमेन या स्ट्रोमा में। तो ये घटना घटित होती है वो किस में होती है, तो याद रखिएगा स्ट्रोमा जिसे हिंदी में पिटिका भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, ये सवाल वीवीआई कर सकते हैं, क्रैंच एनाटोमी, ठीक है, क्रैंच एनाटोमी जो किसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है ये हम बताने, किसका गुण होता है या किसका विशेषता होता है ये हम बताने। तो याद रखिएगा चार ऑप्शन दिए, केल्विन साइकिल का, हैच एंड सेलेक साइकिल का, फिर आपको दिया हुआ देखिए फोटो रेस्पायरेशन का या फिर कैम प्लांट्स। ठीक है, तो किसका गुण है ये याद रखिएगा, हैच एंड सेलेक साइकिल का क्या है, एक क्रैंच एनाटोमी क्या होता है, किसका गुण होता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि हु डिजर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड, देखिए ये सवाल को छोड़ दीजिएगा, ये स्टेटमेंट वाला सवाल दो या तीन को आपको पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जितना भी आपको एनसीईआरटी बुक में आपको स्टेटमेंट का सवाल है कि कौन किसने क्या कथन दिया टर्म वन के सिलेबस आधार पर, उसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म, देखिए किसने हमें बताया था कि जो भी पौधे होते हैं वो विभिन्न प्रकार कोशिकाओं के समूह या उत्तक से बने होते हैं, ये कथन है हमें किसने दिया था, यह हमें बताना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्लाइडन दिया हुआ है, फिर अगला स्वान है, ठीक है, जो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, फिर रुडोल्फ विर्चौ दिया हुआ है, और क्या रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए हुए और इनमें से किसने कहा था ये बताना है। तो याद रखिए जो स्टेटमेंट किसने दिया था वो स्लाइडन ने दिया था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कौन थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट का पूछा जा सकता है, स्लाइडन कौन से साइंटिस्ट थे, तो ये जर्मन क्या थे, आपका बॉटनिस्ट। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछा जाएगा, ये सवाल आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छः नंबर सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप समझ जाते हैं नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, अमोनिफिकेशन, और ये प्रोसेस तो मैंने आपको कितना बार समझाया अभी। ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिएगा, सिक्स का सी इसका राइट आंसर होगा, ये बस याद रख लीजिएगा दिमाग में आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल, देखिए C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या निकला था, 3-फॉस्फोग्लाइकेरिक एसिड, ऑक्जलो एसिटिक एसिड, फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट या फिर RUBP। ठीक है, इसमें से क्या निकला था फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यह हमें बताना है। तो क्या था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, OAA जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी 8 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 कि जो मगरमच्छ होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन है, ठीक है, तो मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, हमें यह बताना है, 2, 3, 4 या 5। तो कितने चैम्बर होते हैं, उनमें होते हैं 4 चैम्बर। ठीक है, तो 10th का क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं एक मगरमच्छ के हृदय में। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन 11 का आंसर याद कर लीजिए कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आंसर बताते चल रहा हूँ, बर्ड्स इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 12 का आंसर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2-चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेंबर्स की खासियत होती है कि मेंबर्स में कितना होता है, 2 कक्ष का क्या होता है, हृदय होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अगला है हमारा कि द प्लेन ऑफ एलिमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज, ठीक है, ये क्या कहलाता है, मेटाफेज प्लेट कहलाता है, सेल प्लेट कहलाता है या फिर लेटरल प्लेट या फिर सेंट्रल प्लेट, तो कौन सा प्लेट कहलाता है हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाता है मेटाफेज प्लेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 14 नंबर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाइस्ट्रोमा, देखिए काइज़मा का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, लेप्टॉन में होता है, जैगोटिन में होता है, पेक्टिन में होता है या फिर डिप्लोटेन में होता है, तो किस में होता है इसका निर्माण हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिए इसका निर्माण कहाँ होता है, डिप्लोटिन, ऑप्शन नंबर कहाँ है ये हमारा, 14 का डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का डी टिक कर लीजिएगा।
अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख लीजिए पहला बार। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15 का बी। अगला क्वेश्चन 26 इंपॉर्टेंट है, इन इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनस ऑफ मेलेटोन इज एन एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल हमें यह बताना है। तो याद रखिए किसका एग्जांपल है, ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए गलत कथन चुनने का सवाल है, तो आपको पहले बात तो कथन तीनों मालूम होना चाहिए, तीनों कथन सही है या गलत है, वही नहीं उससे एक गलत ही होगा, ठीक है। तो पहला एंजाइम्स क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, क्या ये कथन सही है या गलत है। फिर अगला सवाल है एंजाइम्स शो हाइगेस्ट, देखिए एग्जाम क्या करता है, हाइगेस्ट क्या करता है, हमें टेम्परेचर दिखाता है कि हाई एक्टिविटी दिखाता है, किसमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर दिखाता है। फिर को एंजाइम क्या है, एक को फैक्टर, को एम क्या, को फैक्टर का एक टाइप है, काइंड है। और एंजाइम लोअर द एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देता है। ये चार आपको दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एंजाइम का काम ही क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन घटाना बढ़ाना। तो 17 का क्या टिक कर लीजिएगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 17 का डी। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये हमने जस्ट पढ़ा था, तो फोटोसिंथेसिस 2 में होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सही सवाल कि इंपॉर्टेंट सवाल है कि C3 साइकिल को हम लोग किस अलग नाम से जानते हैं, तो याद रख लीजिएगा इसे किस नाम से जाना जाता है, पूछा जाए तो केल्विन साइकिल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, देखिए लिमिट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके द्वारा दिया हुआ था या फिर किसके द्वारा प्रपोज किया गया था हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा क्या होगा सही जवाब, ये दिया गया था ब्लैकमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या है, डी में इसका राइट आंसर। तो 20 का डी करिएगा, ठीक है। अगला वाला भी थोड़ा देख लीजिएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया सबसे पहले, तो हमें ये बताना था क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विटेकर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 21 का बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है हमारा सेल वॉल ऑफ फंगी, देखिए सीधा बात है फंगी का सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है ये बताना है। तो आपको मालूम होगा किससे बना होता है, वो बना होता है आपके इसे काइटिन से बना होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा ड्यूट्रोमाइट्स, ठीक है, ड्यूट्रोमाइट्स को हम लोग किस और नाम से जानते हैं हमें ये बताना, तो याद रख लीजिए किस नाम से जाना जाए, इम्परफेक्ट फंगी के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, मशरूम हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा सर, 23 का डी टिक करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 टिक करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिल्म, लार्जेस्ट फिल्म कौन सा है हमें समय ये बताना है। तो चारों ऑप्शन पढ़िए तो पता चलेगा जो आर्थ्रोपोडा का जो ग्रुप होता है वही क्या होता है सबसे लंबा है इनमें से चारों में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 24 का डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है देखिए वायराइड, वायराइड क्या है, एक फ्री आरएनए है, डीएनए है, फ्री डीएनए या फिर डीएनए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों बी, यानी आरएनए, ठीक है। अगला सवाल हमसे टीएम, आप तो आपको मालूम होगा ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है टोबेको मोजाइक वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, टीएमबी के नाम से भी जाना जाता है। तो 27 का क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लीजिए, वायरस जो एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाएगा ना, सीधा बात है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 का क्या टिक करिएगा बच्चों, बी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा बच्चों यहाँ पर बोला संक्रमित करता, सॉरी मैंने उसे सोच लिया था दूसरा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर, ठीक है, वायरस हो जाएगा, ठीक है, जो क्या करता है किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अगला 29 का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, टेरिफॉइड को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये बताना है। तो 29 का क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लिवर्ट्स और मोजेस वो किससे बिलोंग करते हैं, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं हमें बताना है। तो किससे बिलोंग करते थे, याद रखिएगा वो बिलोंग करते थे आपका टेरिफाइड, टेरिफोफाइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर बच्चों टिक करिएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, अनावृत बीज, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के कैटेगरी में ये रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरोन, ठीक है। तो ये कुछ बेहतरीन सवाल थे जो आपको करने थे मॉडल सेट के अलावा, तो ये मैंने मॉडल सेट आपको कंप्लीट कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल प्रीवियस ईयर जो आपको क्वेश्चन पेपर इस बार जो आया था एग्जाम में उसको पूरा जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, जितना उसके वीडियो का शेयर जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।